नमस्कार प्रशिक्षुओं, कैसे हैं आप? आप सभी अच्छे होंगे और ठंड का आनंद ले रहे होंगे, है ना? ठंड तो बढ़ती चली जा रही है, खैर बच बचा के रहना है और टोपा वोपा पहन के रहना है। टोपा हो गया, जो भी इनर वगैरह आते हैं, थोड़ा सा बच बचा के रहना भाई। और इस ठंड में उनको तो दिक्कत हो रहा होगा, जो बच्चे काफ़ी दूर तक एग्ज़ाम देने के लिए सैर कर रहे होंगे। खैर वो तो हमारी मजबूरी होती है, हमको जाना है। आज हम बात करने वाले बच्चों, यह सेशन डेली आपका होता है प्रशिक्षुओं। बच्चों, जिस भी आप क्षेत्र से बिलोंग करते हैं, चाहे जिस भी फील्ड से बिलोंग करते हो, चाहे आप लेखपाल की तैयारी करने वाले हों, चाहे आप सीटेट के लिए, यूपीटेट के लिए, सुपरटेट के लिए, डीएलएड के लिए, किसी भी क्षेत्र में अगर आप जानकारी चाहते हैं तो आप कमेंट कर दिया करें। यह डेली सेशन सिर्फ आपके लिए बनाया गया है, 9 बजे का, मात्र आधे घंटे से कम ही या फिर लगभग 20 मिनट के आसपास की सेशन होते हैं, तो आप लास्ट तक बने रहेंगे। आपका भी कर्म है, अगर हम आपके लिए इस ठंड में इस तरह से क्लासेस लगाते हैं बच्चों, तो आपका भी दायित्व तो बनता है कि आप लास्ट तक बने रहेंगे। ठीक है, हमसे प्रॉमिस करिए कि आप लास्ट तक बने रहेंगे, सारी चीजें आपके ही लायक हैं, क्योंकि आप एक स्टूडेंट हैं और आपको जानना भी जरूरी होता है। आप लेखपाल की वैकेंसी के लिए तैयारी कर रहे होंगे, आप आने वाले ग्रुप डी के लिए तैयारी करते होंगे, आप आने वाले एनटीपीसी, आप आगामी बहुत सारे एग्जाम, सुपर टेट, डीएलएड, तो जानने की बात है। मान लीजिए अगर आपके घर में कोई पूछ लिया कि भाई कुछ जानकारी दे दो इसके बारे में, तो आप दे सकते हैं मात्र इस सेशन से। बच्चों डेली बस आप सेशन को फॉलो कर लो, इस सेशन को। और रहेगी बात, जितने क्लासेस आते हैं दिन भर के, आप क्लासेस जरूर देखा करें। जैसे इन्वायरमेंट का सेक्शन बहुत ही बेहतरीन हम चलाते हैं, और शायद ही इन्वायरमेंट का आपको ऐसा कोई क्लास मिले बच्चों, आप आकर देख लेना। बस यही थोड़ी सी कमी होती है कि डिजिटल बोर्ड वगैरह नहीं है, और आप लोग की अगर संख्या बढ़ी तो कोई दिक्कत नहीं है, वो भी हो जाएगा। बस अपनी संख्या बढ़ा लेना बच्चों, हर काम मुमकिन हो जाएगा ना। मेहनत करने वाले की कभी हार नहीं होती है, मेहनत करते रहो, और पहाड़ तो क्या सरहदें पार हो जाएंगी बच्चों, हर चीज पार हो जाएगा। बस मेहनत करते रहो, पीछे पैर को न मोड़ो, इस पे मत जाओ बच्चों। बस वह देखो कि आप कहाँ पे खड़े हो, अगले 1 साल, अगले 6 महीने बाद आप कहाँ पे पहुंचते हो, सिर्फ इस बात को नोटिस कर लेना, मात्र एक बात को, क्या अपने प्रीवियस चीजों से अपने आप को प्रेजेंट में कंपेयर करना। अगर आपको लग जाए कि आप कुछ सुधार कर रहे हो, आप अग्रसर हो रहे हो अपने लक्ष्य की तरफ, जो आप पाना चाहते हो। वैसे तो बहुत सारे बच्चे हर एक फॉर्म भरते हैं, मतलब गवर्नमेंट जॉब एक चाहत होती है बच्चों के अंदर, अगर आप उसके तरफ अग्रसर हो रहे हो, कुछ सुधार नजर आ रही है ना, तब बच्चों कंटिन्यू रहना, छोड़ना मत, याद रखना। क्योंकि वैकेंसी मात्र 30,000 होती है, वैकेंसी मात्र 30,000 होने के बावजूद बच्चों 1-1 करोड़ लाख बच्चों का उसमें अप्लीकेबल होते हैं, मतलब अप्लीकेशंस आते हैं। जैसे बात करें ग्रुप डी का ही देख लेना बच्चों, मात्र 1 लाख ही सीट है, लेकिन बच्चों ने फॉर्म भर रखा है 1 करोड़ प्लस बच्चों ने फॉर्म भर रखा है। अगर बात करें बच्चों इस बार का यूपीटेट का, तो 22 लाख बच्चों ने अप्लीकेबल यानी कि अप्लीकेशन भरा था, अप्लीकेशन फॉर्म भरा था बच्चों, उसमें अप्लाई करा था, लेकिन कितने लोगों का होता है उसमें तो आप लोग ही जानते हैं। शायद ही बहुत कम बच्चे होते हैं जो 90 के अबव या फिर 90 ला पाते हैं, अन्यथा सारे बच्चे फेल हो जाते हैं। और बहुत उसमें ऐसे भी होते हैं जो कि कई बार उसमें बैठते हैं कि हमारा नंबर इंक्रीज हो जाए, है ना। तो इस तरह की बातें बच्चों, बस आप लगे रहना। देखिए आज हम कुछ विषय पर बात करने वाले हैं सीटेट को लेकर बच्चों, जो आज का पेपर हुआ है। हम तो एनालिसिस नहीं दे पाए, थोड़ा बाहर थे, लेकिन खैर आपके लिए ही सही बस हम यहाँ पर लाए हैं, थोड़ा सा बताएंगे आपको। हमने एक शॉर्ट भी बनाया था कि आप लोग उसको देख लेंगे। खैर आज की जितने भी क्लासेस थे हमने नहीं लगा पाए बच्चों, बहुत सारे क्लासेस हमें आपको देने हैं, आप लोग बस कंटिन्यू रहना, अपने आप को एग्जिस्ट करना इस पे, बस हम यही कहते हैं बच्चों। यूपी तिबल ऐसे लेखपाल में कितने नंबर पाने पर बच्चों, बहुत सारे बच्चों का डाउट है कि कमेंट भी किए थे बहुत सारे बच्चे कि पेट में कितने नंबर होने चाहिए, इसके लिए हम डेडिकेटेड वीडियो बनाए हैं बच्चों, आप देख लेना। वहां पर जाके एक आप आएंगे नीचे डिस्क्रिप्शन के लिंक में, या फिर डिस्क्रिप्शन में नीचे इसी वीडियो के आएंगे नीचे, तो देखेंगे एग्जाम अपडेट नाम का एक प्लेलिस्ट बनाया गया होगा, उस पर क्लिक करेंगे ना, बस उसमें ढूंढ लेना बच्चों, थोड़ी सी मेहनत कर लेना, उसमें ढूंढ लेना, आपको मिल जाएगा कि कैसे हम अपनी रैंक निकालें बच्चों। अगर आपका रैंक 4 लाख के ऊपर यानी 4 लाख के अंदर आ रहा है, तो इस बार समझ लेना लेखपाल की तैयारी करने लग जाना बच्चों। आपको परसेंटाइल देखना है ना कि बच्चों सॉरी आपको परसेंटेज देखना है ना कि परसेंटाइल देखना बच्चों। जैसे कि मेरा परसेंटाइल है 94% परसेंटाइल, लेकिन अगर बात करेंगे बच्चों अपना, हम नंबर की बात करेंगे तो 75 समथिंग के आसपास में आया है मेरा नंबर है पेट में। लेकिन अगर पेट की अगर हम परसेंटेज निकालेंगे, जो परसेंटाइल नहीं परसेंटेज निकालेंगे, तो मेरा 75% प्लस आएंगे। तो 75% अगर आपका 75% से नीचे है, तो इसका मतलब यह नहीं कि आपका परसेंटाइल की बात हो रही है बच्चों, परसेंटाइल अलग है परसेंटेज अलग है। अगर आपका परसेंटाइल 75% के अबव है, परसेंटाइल परसेंटेज नहीं,
परसेंटाइल 75% के एबव आ रहा है बच्चों, तो आप शायद इसके लायक हो जाओगे। मतलब कि अगर 60 नंबर प्लस आ रहे हैं आपके, तो आप अप्लीकेबल हो गए बच्चों, पिट में इतना नंबर आना चाहिए। इसके बाद रह गया एनटीपीसी। बच्चों बहुत ही अच्छी जानकारी आपको देने वाले एनटीपीसी, जो बच्चे पेपर दिए थे सीबीटी 1 का, रुके रहना, आप सभी लोग का कमेंट भी लेंगे। जैसे कि यहाँ पर अंशिका त्रिपाठी जी का कमेंट लेने वाले हैं, बहुत अच्छी चीज़ इन्होंने पूछा है। प्रदीप पांडे जी की लेने वाले हैं, ऑल मिक्स चैनल करके एक है, उसका लेने वाले हैं कमेंट। हम तीन बच्चों का कमेंट लेंगे यहाँ पर, क्योंकि तीनों ने बहुत अच्छी बातों को यहाँ पर पूछा है, आपके जानने लायक है, तो आप हम तीनों का कमेंट लेंगे। एनटीपीसी पैसा वापस कर दिया बच्चों। हाँ, जो बच्चे प्री वाला एग्जाम हमने दिया था हम लोग ने, तो उसमें 390 रुपये कितनों का 240 रुपये वापस आ रहा है, क्या आपका आया है, चेक कर लेना बच्चों। शायद आपने भी फॉर्म भरा होगा, तो आपके मोबाइल पर जो अपने नोट वहाँ पर रजिस्टर्ड किया होगा अपना मोबाइल, जिस बैंक में आपने, जिस बैंक को आपने वहाँ पर रजिस्टर किया होगा, जब एक नोटिफिकेशन एक तरह से लिंक खुला था बच्चों कुछ ही दिन पहले, नोटिफिकेशन लिंक एक एक्टिवेट हुआ था, उसमें सरकारीrizal.com पे आपको बताया गया था कि साफ साफ उसमें लिखा था कि आप अपने जिस बैंक में पैसे वापस लेना चाहते हैं उस बैंक का डिटेल डाल दीजिए, प्लस अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डाल दीजिए। वैसे रजिस्ट्रेशन नंबर तो आपने जो दिया रहा होगा, जिस पर आपके एडमिट कार्ड के वो SMS आते हैं, मैसेज आए होंगे, उसी पे अभी आया होगा। तो अगर आया है तो बताइएगा जरूर बच्चों, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का आया है, जिन्होंने बहुत सारे बच्चों ने कमेंट भी किया था, सर मेरा 390 रुपये आया, किसी का 240 रुपये आया, तो आपका भी आया होगा, आप जरूर चेक कर लेना बच्चों। अगर बात करें, पहले कमेंट ले लेते हैं बच्चों का ना, डीएलएड प्रमोट पहले आचार संहिता के होगा कि नहीं होगा बच्चों, इस पर बात कर लेंगे। डीएलएड 4 सेमेस्टर बैक लगा है तो क्या करेंगे वो लोग, थोड़ा सा बात करेंगे। या फिर जो 4 सेमेस्टर के रिजल्ट आने वाले हैं, अगर उनका बैक लग गया बच्चों वापस से, तो क्या उनको फिर से 3rd सेमेस्टर के एग्जाम देने होंगे? बहुतों का यह मतलब एक तरह से कमेंट आया है कल या परसों, 2-3 दिन का हमने कमेंट देखा कि बच्चों बार बार यही कमेंट पूछ रहे हैं, क्योंकि उनको डर बना है भाई, रिजल्ट लेट आ रही है, सबको डर बना रहता है। क्योंकि देखना, जिंदगी से अगर हम अपने लड़ते हैं बच्चों ना कुछ, तो हमेशा जो बच्चे सीखते हैं, जो बच्चे मेहनत करते हैं ना, डर सच में उन्हीं को लगता है, किसी और को डर नहीं लगता बच्चों। जो पैसे देकर कुछ भी करवा लेते हैं या फिर कुछ भी कर लेते हैं बच्चों, उनको डर क्यों लगेगा? क्योंकि वो तो अमीर माँ बाप के बेटे हैं ना, तो पैसे हर जगह दे देंगे बच्चों, अपनी जॉब में भी पैसे दे देंगे बच्चों, बिजनेस कर लेंगे। लेकिन हमारे पास क्या बताना, हमारे पास खेती है और इसके सिवा कुछ नहीं बच्चों। ज़्यादा ज़्यादा क्या, एक छोटी सी दुकान है, उसमें पैसे लगा देंगे, अगर ना भी हुआ प्रभु की दया से मेहनत तो करेंगे ही, अगर ना हुआ तो दुकान में बैठेंगे भैया। लेकिन हम कभी यह नहीं करेंगे पैसे देकर अपना काम करा ले बच्चों, ऐसा नहीं होना चाहिए, नहीं करने चाहिए किसी को। ये सब बेकार की चीजें हैं, वो तो अलग बात है, मामा का रिलेशन है, चाचा का रिलेशन है, थोड़ा सा अगर हो गया तो ठीक है, वो सब ठीक चलता है, लेकिन पैसे देकर बच्चों काम करा लेना ये बहुत बेकार चीज है। और रही बात पैसे वगैरह नहीं, अब तो शायद ही कोई काम हो, क्योंकि इस समय सचिव जी की समझ रहे हैं ना कैसा दिमाग हो गया बच्चों। तो हम कुछ कमेंट ले लें पहले, फिर इसके विषय बात करते हैं। आकांक्षा त्रिपाठी जी का कहना है, सर 2017 बैच 3 बार बैक है, एक सब्जेक्ट में बैक है इनका, अक्टूबर में SCERT पर प्रत्यावेदन इन्होंने जमा कराया था। सर अब नए सचिव आ गए हैं, जाहिर सी बात है अनिल सर आ गए हैं, तो फिर से प्रत्यावेदन करना होगा, बताइए सर। देखिए बच्चों, क्योंकि उनके आने से, देखिए आप कब का, अक्टूबर का दी हैं, अक्टूबर में SCERT पर प्रत्यावेदन दी थी जिन्होंने, प्री मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर बच्चों, नहीं वापस से नहीं देना पड़ेगा आपको, ध्यान रखना इस बात को थोड़ा सा, कि देखना जो आपके अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में है, उसी में एक नोटिफिकेशन जारी किया गया था PNP द्वारा, उसी में एक नोटिफिकेशन जारी करा गया था, तभी जाकर बच्चों को बोला गया था बच्चे आप प्रत्यावेदन जमा करेंगे, क्योंकि उन्होंने एक नोटिफिकेशन जारी करा था कि जितने बच्चे हैं जिनका 3 बार बैक लगा है, वह चाहे 18 बैच के हों, चाहे 17 बैच के हों, 17 बैच का एक बार वैसे हो चुका था, दोबारा बच्चों ने दिया है 3 बार, जिनका मान लीजिए किसी बस एग्जाम छूट गया हो या फिर न दिए हों, तो 3 बार उनका बैक हो, तो उन्होंने फिर से एग्जाम 4थी बार मांग करने के लिए, एक तरह से रिक्वेस्ट करने के लिए उन्होंने फिर से दिया होगा। तो अक्टूबर में एक नोटिफिकेशन आया था PNP की तरफ से कि जिन बच्चों का 3 बार बैक है, वो 4थी बार के लिए अपनी संख्या बल बढ़ाकर एडमिट कार्ड पा सकते हैं, ऐसा आया था। मतलब SCERT डायरेक्ट इस तरह से आदेश दी थी PNP को कि आप एडमिट कार्ड जारी करोगे इन बच्चों का जिनका 3 बार बैक लगा है, 4थी बार के लिए या अगर प्रत्यावेदन जमा करते हैं, तो ऐसे साफ साफ नोटिफिकेशन आया था, जिसमें कोई दोराय नहीं है। अगर आपकी संख्या बढ़ गई ना, तो आपका जरूर से जरूर बच्चों एडमिट कार्ड आएगा। इसी वजह से हम बोलें 2018 बैच के हों अगर आप, तो प्लस में जाकर जितना वो डिमांड करें उससे प्लस में जाकर अपनी वहाँ पर दर्ज कराएं बच्चों संख्या, नहीं तो फिर दिक्कत तो होनी तय है, है ना, ठीक है। नहीं तो पिछली बार क्या हुआ था बच्चों 2017 बैच वालों के साथ, यही हुआ था कि कुछ
कह लीजिए कि कुछ बच्चों ने मतलब कि लगभग 400 के आसपास बच्चों ने जमा करा था, लेकिन 320 का ही एडमिट कार्ड आया था। पीएनपी का कहना था कि वहां पर उनकी सीटों की संख्या कम पड़ गई है, तो ऐसा नौबत इस बार नहीं आना चाहिए। अगर आप लोग 500 प्लस जाते हैं तो धरना कराकर बच्चों, अगर ना भी जारी करेंगे ना तो धरना कराएंगे हम लोग, देखना। अगर ऐसा कुछ नोटिफिकेशन आता है, पहले तो नोटिफिकेशन आएगा बच्चों कि आपका आपका जो यह है एडमिट कार्ड जारी करेंगे या फिर नहीं करेंगे। नहीं करेंगे तब भी, अगर करेंगे तब बच्चों, करेंगे तो कोई बात ही नहीं है, क्योंकि आपका एग्जाम अगर होगा तो मई जून के आसपास में होगा, इतना लिखित ले लेना बच्चों, क्योंकि उसके पहले पॉसिबल है ही नहीं। थोड़ा सा भी शंका नहीं है बच्चों को, उसके पहले लोग करा लें। अगर करा लेते हैं तो बल्ले बल्ले, हमसे खुश कोई नहीं हो पाएगा बच्चों, हमसे खुश कोई नहीं होगा, इतना याद रखना, अगर वो पहले करा लेते हैं तो। और रही बात इस फोर्थ सेमेस्टर को लेकर बच्चों, रिजल्ट को लेकर, तो फोर्थ सेमेस्टर का रिजल्ट देख रहे हैं कितना झेला रहा है ना, अभी इस पर भी बात करते हैं। अगर फोर्थ सेमेस्टर में इस बार बैक लगा तो आपके साथ क्या होने वाला है, थोड़ा सा धैर्य बनाकर सुनिएगा भाई। देखना, प्रदीप पांडे जी का कहना है, सर अगर 2019 बैच फोर्थ सेमेस्टर में बैक लग गए तो फिर फोर्थ का एग्जाम कब होगा, और क्या थर्ड का भी पेपर देना होगा? तो बता रहे हैं बच्चों, बस आप बने रहना। एक और कमेंट ले लेते हैं थोड़ा सा हम, किनका है भाई? ये आलमिक्स करके हैं भैया। जिनका बैक है सर, क्या वो पीछे नहीं चले जाएंगे? प्रमोट होंगे तो फ्रेश और बैक दोनों प्रमोट होंगे, उनको पेपर पहले ही करवा लेना चाहिए था। सर इसमें हम लोगों की क्या गलती है? बिल्कुल, देखना, आप बैक लगाए हैं बच्चा, है ना, आप बैक लगाए हैं बच्चों, आप बैक लगाए हैं भाई मेरे। आपका अगर बैक लगा है तो आपके मुख से यही निकलेगा, सर मेरा मुझे प्रमोट कर दिया जाए। लेकिन जिसका जो बच्चे कह लीजिए बच्चों वहाँ पर प्रमोट की बात करेंगे, वह केवल और केवल संख्या बल दिखाने वाले थे। कौन से बच्चे थे भैया, कौन से बच्चे थे? केवल पास बच्चे चुप थे। तो याद रखना, अगर आपको भी ऐसी हरकत, देखना एक बार ध्यान से सुन लेना, क्योंकि 2018 वाले बैच के साथ ऐसा हुआ था, अगर उनका एक बार बैक लगा था तो उनको दोबारा एग्जाम के लिए बच्चों प्रमोट नहीं किया गया था, उनको फिर से पिछला वाला सेक्टर देना पड़ा था, पिछला वाला सेम देना पड़ा था उनको। इस वजह से हो सकता है बैक वाले के साथ ऐसा पीएनपी सचिव जी या फिर पीएनपी द्वारा आदेश जारी हो जाए कि आपको, मतलब आदेश क्या, ये तो तय है, वो रूल के हिसाब से अगर चलते हैं तो आपको बैक क्लियर करना होगा, फिर आपको थर्ड सेम देना होगा बैक वालों के लिए। लेकिन उन्होंने कहा था बैक वालों को देना पड़ेगा, जिनका बैक लगा है उनके लिए थर्ड सेम प्रमोट नहीं होगा, लेकिन जिनका बैक नहीं उनको तो पहले प्रमोट करो भाई, ये तो रूल है भाई, आपके हिसाब से रूल है, अगर आप चाहते हो रूल है तो रूल है। अगर बैक लगा है उनको थर्ड सेमेस्टर देने की, यार लिए आप बात कर रहे हैं तो थर्ड सेमेस्टर के लिए फिर आपने क्यों एक बार प्रमोट के लिए उनको बोला था कि प्रमोट हो जाएंगे भाई? अगर वो प्रमोट नहीं होते हैं तो इसका मतलब उनका यूपीटेट भी मान्य नहीं होगा, अगर वो देते हैं तो। ठीक है बच्चों, ये सारी बातें हैं, और इन बातों पर जो पीएनपी सचिव जी हैं हम लोग को उलझा के रखे हैं। अब उनका फैसला लास्ट होगा बच्चों, जैसे रिजल्ट आता है, धरने वगैरह की बात हो रही है, अगर धरने वगैरह में आपकी संख्या बढ़ती है तो आप वहाँ पर सिर्फ यही दबाव बनाएंगे कि आप क्लियर कर दो, हमें थर्ड देना है कि फोर्थ देना है। अगर थर्ड देना है तो बताओ पहले क्यों नहीं ले लिया हमारा थर्ड, हमारा समय क्यों बर्बाद कर रहे हो, हमारे समय बर्बाद करने के। तुम एक बच्ची पूछी थी कि भाई सर जी यह बता दीजिए कि पीएनपी सचिव बनने के लिए क्या पढ़ाई करें। बच्चों देख लेना, पीएनपी सचिव बनने का मतलब है दिल बिल्कुल पत्थर रख लेना बच्चों। कुछ लोगों का होता है नॉर्मल सा, और कुछ लोग तो पत्थर महापत्थर होते हैं बच्चों, उनका दिल कुछ नहीं पिघलता ही नहीं है, उनके खुद के बच्चे अगर रोएं तो पिघल जाए, लेकिन अगर अदर बच्चा रोए ना नहीं पिघलेगा। और ऐसे लोग ना दुनिया में सिर्फ और सिर्फ दिखावटी या फिर दिखावटी आंसू गिराते हैं बच्चों, और रियलिटी उनकी क्या होती है वो तो प्रभु ही जानते हैं, और उनके साथ क्या घटना घटता है वो खुद जानते हैं, और वो कभी लाइफ पे अपने सुखी नहीं रह पाते हैं। खैर वो तो अलग बात है, वो थोड़ी सी भावनाओं की तरफ हम बह गए, लेकिन उसमें नहीं जाना बच्चों। सिर्फ हमको याद रखना है कि अगर पीएनपी सचिव जी का लास्ट नोटिस जारी हो या फिर लास्ट बात हो फाइनल करने की, प्रमोट करेंगे कि नहीं करेंगे, अगर करेंगे तो हमको करके भैया फोर्थ सेमेस्टर का एग्जाम करा दें। और जब ऐसी बातें होती हैं तो जाहिर सी बात है, वो बोल रखे थे भाई कि जनवरी के बाद सोचा जाएगा आपके एग्जाम्स के लिए। इसका मतलब है कि भाई थर्ड बैक वाले प्रशिक्षु ने पूछा था, सेकेंड सेमेस्टर जिनका फिर से बैक लगा है फोर्थ सेमेस्टर वालों का, मतलब कि 2019 बैच का, तो उनके उनमें से कोई एक प्रशिक्षु ने फ़ोन किया था कार्यालय पे कि सर बताइए मेरा एग्जाम कब होगा, तो उन्होंने बोला कि जनवरी के बाद सोचा जाएगा। फिर उन्होंने बोला जो आपका यह सर सिस्टम है, हमको तो इस तरह से पीछे कर देगा हम लोग को, तो हम लोग कैसे बैठ पाएंगे शिक्षक भर्ती में आगे आने वाले में। तो उन्होंने बोला कि हम ठेका नहीं ले रखे हैं, या फिर हमने यह नहीं सोच रखा है, या फिर हम यह देखते हुए नहीं चलेंगे भाई कि आपको भी बैठाना है, इस तरह से पीछे वाला भी सोचेगा, थोड़े से रुक जाते तो शिक्षक भर्ती में बैठ जाते हम भी, तो इस तरह से बातें नहीं चलेंगी, वो तो अपने समय पर आएगा। और समय पर कितना आ रहा है बच्चों हमको पता ही है, शिक्षक भर्ती याद रखना, शायद इस साल शिक्षक भर्ती नहीं आए, अगर आए भी तो लास्ट तक आएगा, और चुनाव उनाव के बाद ही यह नौबत बनेगी।
अप्रैल के बाद ही बच्चों, क्योंकि अमूमन अगर बात करें तो 5 से 15 जनवरी के आसपास में से आचार्य संहिता लगने वाला है, ठीक है। और रह गई बात अब 4 सेमेस्टर की बात कर लेते हैं भाई। देखना, अगर बच्चों 4 सेमेस्टर का रिजल्ट की बात करते हैं, 4 सेमेस्टर के रिजल्ट यानी कि 2019 बैच के 4 सेमेस्टर के रिजल्ट जो आने वाले हैं, प्लस जो बच्चे बैक लगा कर बैठे हैं 4 सेमेस्टर का वेट कर रहे हैं उनकी बात कर रहे हैं, अगर दोनों लोगों का बच्चों मिला जुला कर अगर मतलब रिजल्ट आ जाता है 25 दिसंबर तक, तो बच्चों ठीक ठाक है, डेट ज़्यादा उधर भी नहीं गया है, देरी भी नहीं हुई और ज़्यादा पहले भी नहीं है, मतलब ठीक ठाक समय आ जाएगा अपना, हम लोग ठीक है भाई, कम से कम आ तो गया, ठीक है। लेकिन बच्चों अगर इस बार बैक लग गया ना, तो आपको जून तक, मई जून तक वेट करना पड़ेगा, याद रखना बच्चों, बहुत ही दिक्कत हो जाएगी, फिर आप शिक्षक भर्ती अगर बीच में आ गई तो आप नहीं बैठ पाओगे, पूरा किया धरा पूरा पानी मिल जाएगा बच्चों, मिट्टी में मिल जाएगा, आप यूपीटेट भी क्लियर कर लोगे इधर, पता चला सीटेट भी क्लियर कर लोगे, लेकिन बच्चों आप बैठ नहीं पाओगे एग्जाम में लास्ट में बच्चों, अगर आपको बताएं सुपर टेट में आप उसके लिए एलिजिबल नहीं होंगे अगर आपका बैक लग गया, क्योंकि सुपर टेट के पहले अभी आप बच्चों एक आपने सुना होगा कि एक आर्टिकल अभी कुछ दिन पहले ही वायरल हो रहा था कि सुपर टेट के लिए कम से कम आपको उस दिन तक, जिस दिन आएगा सुपर टेट की वैकेंसी बच्चों, उस दिन तक आपके सारे के सारे क्राइटेरिया फुल करने चाहिए, जितने सीटें हैं मतलब कि जितने आप जितनी चीज़ें वो मांग करेंगे, डिमांड करेंगे, जितने भी आपके डॉक्यूमेंट्स वगैरह के, सब कुछ उस समय तक क्लियर होना चाहिए, मतलब अगर आप डीएलएड कर रहे हैं तो डीएलएड में एक भी सेमेस्टर में बैक नहीं होना चाहिए, प्लस अगर बीएड कर रहे हैं तो बीएड में भी एक सेमेस्टर में, एक किसी भी सेमेस्टर में बैक नहीं होना चाहिए, सब कुछ फ्रेश होना चाहिए आपके पास, जितने डॉक्यूमेंट्स हैं सब कुछ अवेलेबल होना चाहिए उस समय तक, जिस समय जिस दिन सुपर टेट के लिए अनाउंसमेंट हो जाता है बच्चों, फिर मतलब फॉर्म रजिस्ट्रेशन करना स्टार्ट हो जाते हैं। तो बस यही चार चीज़ें थी, अगर आपको कोई डाउट हो तो जरूर कमेंट करिएगा बच्चों, अगर किसी बात को लेकर आहत हो तो जरूर हमसे शेयर करिएगा, उस बात के लिए आपको वीडियो जरूर बनाया जाएगा। और आप सिर्फ लोग बच्चों एक काम नहीं करते, देखना डीएलएड वाले बच्चे जो हैं और जो बीएड वाले जो अदर क्षेत्र वाले हैं, ऐसा बात नहीं कि आप लोग अदर क्षेत्र में फॉर्म नहीं भरते हैं बच्चों, भरते हैं ना, तो आप जो भी वीडियो आती है उसको फॉलो किया करें, प्लेलिस्ट आपके लिए बनाया गया, टेलीग्राम चैनल आपके लिए बनाया गया, नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल है बच्चों, ज्वाइन कर लीजिए उसको, आप ज्वाइन कर लेंगे तो वहाँ पे सारे पीडीएफ वगैरह देते रहते हैं दिन भर में, जो थोड़ा बहुत जीके वगैरह भी आते हैं तो वो भी उस पे जाते रहते हैं, लिखित जाते हैं बच्चों, कुछ प्रैक्टिस सेट जाते हैं, तो आप उसको सॉल्व कर सकते हैं वहाँ पर। खैर अमन इतना बड़ा प्लेटफॉर्म तो नहीं है मेरा कि हम सबको एक साथ बहुत सारी चीज़ें प्रोवाइड करा सकें, क्योंकि इतने ज़्यादा बच्चों सिस्टम्स में मतलब अपडेटेड नहीं है हम, इतना समझ लेना बस, ये अपडेटेड सिर्फ आप लोग कर सकते हैं, हमें अगर आप लोग की मर्जी रही शेयर करने की बच्चों, धमा धमा के शेयर करना बच्चों, जिधर मन करे उधर घुमा देना, लेकिन याद रखना बच्चों अपने भाइयों को इस चैनल से जोड़ने के लिए नहीं भूलेंगे आप, जोड़िए सबको, सारे क्लासेस चलेंगे बच्चों, हर एक चीज़ दे देंगे, इंडियन ज्योग्राफी दे दिया गया है, लगभग कुछ ही बचे हुए हैं तो उसको भी स्टार्ट कर देंगे हम, और रह गई बात बहुत जल्द लेखपाल के लिए भी, जो आपका भूमि सुधार वाला है बच्चों, मात्र 10 से 12 वीडियो में खत्म कर देंगे उसको, एक एक वीडियो में बना के मापांक वगैरह जो है सबको खत्म कर देंगे, तो इस तरह आप बने रहिए, आपको बहुत जल्दी सारे क्लासेस मिल जाएंगे इस पर आने वाले भविष्य में, आप अपने भाइयों को भी बता सकते हैं। और CDP के लिए बात करें बच्चों, तो सिद्धांत वगैरह भी आ रहे हैं, उसको देखें फॉलो करें, सिर्फ इस वजह से मोटिवेट हो जाते हैं कि आपकी संख्या बहुत कम होती है बच्चों, इतनी मेहनत से वीडियो बनाओ लेकिन आप लोग की संख्या 2, 3, 4, 5 मन नहीं करता है, लेकिन क्या करें, मेहनत करेंगे उनके लिए, कम से कम 2-3 तो देख रहे हैं, ठीक है बच्चों, यही हमारा पॉजिटिव थिंग्स है। चलिए खैर मिलते हैं नेक्स्ट, गुड नाइट।